मध्य प्रदेश के खरगोन में शिक्षकों के थोक बंद ट्रांसफर के विरोध में सैकड़ों शिक्षकों ने बारिश में छाता लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिला शिक्षिकाओं ने तख्तियां थामी रखी थी। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के नेतृत्व में सरकार के विरोध में शिक्षक तख्तियां लेकर बारिश में सड़क पर छाता लेकर रैली में शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों ने विसंगति पूर्ण थोक बंद ट्रांसफर करने के विरोध में नारे भी लगाए। जल्दबाजी में कई विकलांगों के भी स्थानांतरण कर दिए गए। इससे शिक्षकों में असंतोष है। शिक्षकों का कहना है 40 जिले में करीब 400 स्थानांतरण कर दिए गए जो अनुचित है। स्थानांतरण नियमानुसार किया जाना था। इस तरह ट्रांसफर करने से कई शिक्षकों को भारी परेशानी हो रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारे किस सूत्री मांगे हैं, उसमें प्रमुख रूप से पदनाम है, नवीन शिक्षक संवर्ग को पेंशन एवं ग्रेजुटी है, साले शिक्षा आयोग का गठन हो, ऐसी मांग है। तो इस प्रकार से 21 मांगे हैं और यहाँ स्थानीय स्तर पर अभी आदिम जाति कल्याण विभाग में ट्रांसफर हुए हैं, जो नीति का खुला उल्लंघन हुआ है, जिसमें अतिशेष शिक्षकों का चयन मन मर्जी से किया गया है और लंबी स्थान पर उनको प्रशासकीय स्थानांतरण किया गया है। अतिशेष को जबकि अवसर देना चाहिए, दावा आपत्ति का चयन का अवसर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। और संगठन के पदाधिकारियों को छूट है, उनका भी स्थानांतरण हुआ है। दिव्यांग शिक्षकों को छूट है नीति में, उनका भी ट्रांसफर हुआ है। इस प्रकार से नीति का खुला उल्लंघन हुआ है। ऐसे नीति विरुद्ध हुए स्थानांतरण को हम निरस्त करने की मांग भी माननीय कलेक्टर महोदय से करनी है। अगर निरस्त नहीं होता तो क्या करेंगे? निरस्त नहीं हुए तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम? रमेश चंद्र पाटीदार, जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ।